दुर्ग के शक्ति चौरा माँ दुर्गा मंदिर में गुप्त नवरात्रि की नवमी के अवसर पर कन्या भोजन का आयोजन किया गया, जिसमें 51 स्कूली कन्याओं को माता स्वरूप पूरी विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की गई और कन्या भोज कराया गया। दुर्ग के शक्ति चौरा माँ दुर्गा मंदिर में गुप्त नवरात्रि की नवमी के अवसर पर कन्या पूजन व कन्या भोज का आयोजन किया गया। इस दौरान 51 स्कूली कन्याओं को माता स्वरूप मानते हुए उन्हें पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और कन्याओं का 16 श्रृंगार किया गया और उनकी आरती उतार कर उन्हें 56 भोज कराया गया। इस दौरान मंदिर समिति ने स्कूली कन्या माताओं को भेंट स्वरूप स्कूल बैग, टिफिन डिब्बा, मिठाई, फल, चॉकलेट और खिलौने भी प्रदान किए। गौरतलब है कि दुर्ग के शक्ति चौरा मंदिर में प्रतिवर्ष नवरात्र पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इसी के तहत गुप्त नवरात्र की नवमी पर कन्या भोज का आयोजन भी किया गया, जिसमें माता के भक्तों के साथ प्रमुख रूप से योगेंद्र बंटी, मुरारी लाल सिंघानिया, सविता सिंघानिया व निर्मल जैन के साथ बड़ी संख्या में मंदिर समिति के सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में संस्था प्रमुख ने अपनी प्रतिक्रिया दी। श्री शक्ति चौरा माँ दुर्गा मंदिर में प्रतिवर्ष एक वर्ष में पड़ने वाले चारों नवरात्र में महाकन्या भोज और कन्या भोज का आयोजन किया जाता है। आज आषाढ़ मास की नवमी के अवसर पर शक्ति चौरा माँ दुर्गा मंदिर में कन्या भोज और कन्या पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें 51 कन्याओं को एक साथ बैठाकर कन्या भोज कराकर कन्या पूजन करके सभी कन्या माताओं को कन्या भेंट दे करके विदा किया गया। प्रतिवर्ष शक्ति चौरा माँ दुर्गा मंदिर में चार नवरात्र होते हैं, दो गुप्त नवरात्र, एक चैत्र की नवरात्र, एक वार की नवरात्र। चारों नवरात्र में कन्या भोज और कन्या पूजन का आयोजन होता है। इस वर्ष भी आयोजन किया गया। आषाढ़ मास के महीने में पड़ने वाली इस गुप्त नवरात्र में प्रथम दिवस से लेकर नवमी दिवस तक मंदिर में विशेष आयोजन किया गया, जिसमें एकमात्र शक्ति चौरा माँ दुर्गा मंदिर में ज्योति कलश रखी गई थी और अष्टमी के दिन हवन पूजन के पश्चात आज नवमी को कन्या पूजन करके आषाढ़ मास की नवरात्रि बनाई गई। मैं योगेंद्र शर्मा बंटी, शक्ति चौरा माँ दुर्गा मंदिर समिति सदस्य। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।